नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। आने वाले कुछ महीनों में दो बड़े राज्यों में चुनाव है। बंगाल का सियासी माहौल पिछले कुछ दिनों से ही गर्म हो चुका है, लेकिन तमिलनाडु में सियासत की पतंगबाजी पोंगल के अवसर पर देखने को मिली। मदुरै में राहुल गांधी की तस्वीरों को लेकर सियासत की पतंगबाजी भी शुरू हो गई। तमिलनाडु में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले कभी जलीकट्टू पर बैन लगाने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पोंगल के मौके पर जलीकट्टू का खेल देखने के लिए मदुरै पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने आज जलीकट्टू देखा और अच्छा समय बिताया। आज मुझे इस बात का पता चला कि तमिल लोग जलीकट्टू को क्यों पसंद करते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि जलीकट्टू बैलों के लिए खतरनाक खेल है। मैंने आज इस खेल को करीब से देखा। मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आज इसे खेला गया, इसमें बैलों को चोट पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, यही कोई 9 बरस पहले, जब बैलों से क्रूरता वाले इस खेल पर यूपीए की सरकार ने रोक लगा दी थी। आखिर क्या है जलीकट्टू का खेल, इसका इतिहास और इससे जुड़ा विवाद, इस खेल को सुप्रीम कोर्ट चाह कर भी क्यों बंद नहीं कर सका, इन तमाम पहलुओं का आज एमआरआई स्कैन करते हैं। क्या है जलीकट्टू? जलीकट्टू तमिलनाडु का परंपरागत खेल है। इसका इतिहास 400 साल पुराना बताया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के पर्व को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर जलीकट्टू के अलावा बैल दौड़ का भी कई जगहों पर आयोजन किया जाता है। जलीकट्टू तमिल शब्द सल्ली और कट्टू से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सोना और चांदी के सिक्के। ये सिक्के सांड की सींग पर बांधे होते हैं। बाद में सल्ली की जगह जल्ली शब्द ने ले ली। कब हुई शुरुआत? जलीकट्टू की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। प्राचीन काल में महिलाएं अपने पति को चुनने के लिए जलीकट्टू खेल का सहारा लेती थी। जलीकट्टू खेल का आयोजन स्वयंवर की तरह किया जाता था। जो कोई भी योद्धा बैलों को काबू करने में कामयाब होता था, महिलाएं उन्हें अपने वर के रूप में चुनती थी। बैल को काबू में रखने वाले को सिकंदर की उपाधि दी जाती थी। कैसे खेला जाता है? जलीकट्टू सांडों को काबू में करने का खेल है। विशेष तरीके से प्रशिक्षित सांडों को एक बंद स्थान से छोड़ा जाता है। बाहर खेलने वालों की एक फौज खड़ी होती है और बैरिकेटिंग के बाहर भारी तादाद में दर्शक इसका आनंद उठाने के लिए खड़े रहते हैं। जैसे ही सांड को छोड़ा जाता है, सारे के सारे भागते हुए बाहर निकलते हैं और लोग उसे पकड़ने के लिए टूट पड़ते हैं, जिसके बाद सांड के सींगों में बंधे सिक्के को निकालने के प्रयास में लोग लग जाते हैं। यही होता है असली काम, क्योंकि बिगड़ैल और गुस्सैल सांड को काबू में करना कहाँ होता है इतना आसान। इसी कोशिश में कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं और कई लोगों की तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। जो भी विजयी होते हैं उनको इनाम मिलता है। सांडों को किया जाता है प्रशिक्षित। जलीकट्टू के खेल में शामिल होने वाले सांडों की अलग प्रजाति होती है। इन्हें पूरे साल खूब खिला पिला कर मजबूत बनाया जाता है। त्योहार के नजदीक आने पर इन्हें विशेष तरह से प्रशिक्षित भी किया जाता है। इसे तमिल में मान कुत्थाल कहते हैं। इसमें सांड अपनी सींग से जमीन खोदते हैं। प्रशिक्षण पाए सांडों को मेडिकल टेस्ट होता है और फिर पंजीकरण। जलीकट्टू के 3 प्रारूप, वदी मनु वरत्ति। इस प्रारूप को खेल का सबसे खतरनाक प्रारूप कहा जाता है। इसमें सांड को छोड़े जाने के तुरंत बाद उसकी पीठ पर सवारी करनी होती है। वहीं मनुवृत्ति के दौरान कई बार लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं और कई लोग की तो मौके पर मौत तक हो जाती है। वायली विरत्तु। जलीकट्टू के इस प्रारूप में सांड को एक खुले इलाके में छोड़ दिया जाता है। यहाँ जो भी सांड के करीब आता है, सांड द्वारा उस पर आक्रमण कर दिया जाता है। फिर इंसान और जानवर के बीच की जंग देखने को मिलती है। वदम मंजू बड़ित्तु। जलीकट्टू का ये प्रारूप सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसमें जोखिम बेहद ही कम होता है। वदम मंजू बड़ित्तु में सांड को 50 फीट लंबी रस्सी से बांधा जाता है, जहां 7 से लेकर 9 लोगों का समूह सांड को पराजित करने में लग जाता है। लेकिन इसकी समय सीमा 30 मिनट की ही रहती है, जिस दौरान सांड को पराजित करना होता है। विवाद की वजह। आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2014 के बीच जलीकट्टू खेलते हुए 17 लोगों की जान चली गई और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। पिछले 20 सालों से जलीकट्टू की वजह से मरने वालों की संख्या 200 से भी ज्यादा है। जलीकट्टू पर अपने अपने तर्क। समर्थक। तमिलनाडु की संस्कृति और आस्था से जुड़ा, सांड को मारा नहीं जाता, हथियार का इस्तेमाल भी नहीं। खेल खत्म होने के बाद सांड वापस चले जाते हैं। त्योहार के अलावा सांडों को पूरे साल देखभाल होती है। विरोध। 2010 से 2014 के बीच जलीकट्टू खेलते हुए 17 लोग मारे गए। सांड को डराना और घायल करना भी उत्पीड़न है। शराब पिलाकर, आंखों में मिर्च डालकर सांडों को भड़काया जाता है। त्योहार में प्रताड़ित करना कहीं से जायज नहीं।
साल 2011 में केंद्र की यूपीए सरकार ने जलीकट्टू पर बैन लगा दिया। आस्था और परंपरा का हवाला देकर तमिलनाडु के आम लोग देश की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ खड़े हो गए। जलीकट्टू को वहां जनता, नेता, तमाम सितारे, खिलाड़ी सबके सब ने तमिलनाडु की अस्मिता का मुद्दा बता दिया। जलीकट्टू की कानूनी जंग। पशु अधिकार संगठनों ने 2004 से विरोध प्रदर्शन शुरू किए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में बैन के लिए याचिका दी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। 2011 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के तहत खेल प्रदर्शन में बैलों का इस्तेमाल प्रतिबंधित हुआ। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को प्रतिबंधित कर दिया। 8 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने अधिसूचना के जरिए बैन हटाया। 14 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बैन जारी रहने का आदेश दिया। 8 जनवरी 2017 से चेन्नई में बैन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। 19 जनवरी 2017 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले। तमिलनाडु के सीएम ने स्पेशल ऑर्डर अध्यादेश लाने की मांग की। कानून मंत्रालय ने जलीकट्टू आयोजित करने की अनुमति देने वाले तमिलनाडु के अध्यादेश मसौदे को मंजूरी दे दी। समय के साथ साथ जलीकट्टू खेल भी बदल गया। जो खेल आनंद के लिए किया जाता था, अब वह खतरनाक और जानलेवा होता जा रहा है। बैलों को उकसाने के लिए अमानवीय कृत्य किए जाते हैं। उनको शराब पिलाई जाती है और संवेदनशील अंगों पर मिर्च पाउडर भी लगाया जाता है। उनमें आँख भी शामिल है। खेल में अधिक रोमांच लाने के लिए इस तरह की हरकतें बैलों के साथ की जाती हैं। बहरहाल वक्त के साथ जलीकट्टू का खेल भी बदला और इसके तरीके भी। वहीं इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई। तो आज हमने जलीकट्टू से जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाज़त और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।